जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं धनंजय तिवारी अपने इस चैनल महाकाल के सेवक में आपका सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ वो है पात्रता। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है जब मैं बोलता हूँ तो कि अपनी पात्रता बढ़ाइए, पात्रता के अनुसार सब कुछ होगा, पात्रता बढ़ाइए पात्रता बढ़ाइए। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि ये पात्रता आखिर है क्या और बढ़ाई कैसे जाए। और एक ने तो मेरी जान खा रखी है इसके चक्कर में, मजाक कर रहा हूँ। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा कि पात्रता क्या है। देखिए क्या है कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं साधनाएं कम देता हूँ और मैं ज्ञान ज़्यादा पेलता हूँ। तो ऐसा है कि मैं मुठ मसान और प्रेत की साधना नहीं बताता कि बता दिया और हो गया। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ और जिस मार्ग पर मेरे साथ जो लोग हैं वो चलते हैं, उस मार्ग में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है। साधनाओं का नहीं, मूल ज्ञान जो तत्व का ज्ञान है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप तत्व को नहीं समझेंगे, तब जब तक आप मूल को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे इस मार्ग पर। और जो लोग आज तंत्र और मसान पेल रहे हैं ना, उन लोगों को भी एक टाइम पे इसी मार्ग पे चलना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति जो है वो इसी मार्ग पर है, किसी और मार्ग से नहीं मिल सकती। आप तंत्र करेंगे, तंत्र से किसी प्रेत को बंद कर लेंगे, उससे अपने काम करवा लेंगे, तो मरने के बाद आपको उसकी योनि भोगनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। परंतु यदि आप ईश्वर की सेवा करेंगे तो मृत्यु के उपरांत आप ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करेंगे। ये विधान है, यही विधान है कि आप जिस भी चीज़ की साधना करते हैं ना, मरने के बाद आपको उसी चीज़ का रूप प्राप्त होता है, चाहे वो शिव हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो प्रेत हो, ठीक है। तो जो लोग आज तंत्र के नाम पर मुठ ले रखे हैं, मसान चला रहे हैं, मसानी चला रहे हैं, उन लोगों को भी घूम के आकाश पकड़ इसी मार्ग पे आना है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको मैं सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूँ। वही मेरे इस जीवन का उद्देश्य है। और जो मेरा उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए साधनाओं का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, तत्व का ज्ञान होना ज़रूरी है, मूल का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पात्रता क्या है और इसे बढ़ानी कैसे चाहिए। देखिए सबसे पहले जब आपको ये बोला जाए, आपका शरीर एक मिट्टी है, कच्ची मिट्टी जिसको बोलते ना, वो हमारा शरीर होता है, ठीक है। और वो मिट्टी कितनी सुदृढ़ है, कितनी अच्छी तरीके से अपने मूल के साथ में जुड़ी हुई है, इससे ये होती है पात्रता, ठीक है। ये आपकी पात्रता बताती है। पात्रता का अर्थ ये होता है कि आप अगर किसी शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो आप उसको पाने की कितनी क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यदि हम कहते हैं कि हमें आप नवान मंत्र का जाप करिए आपकी पात्रता बढ़ जाएगी, आप ओम का जाप करिए आपकी पात्रता बढ़ जाएगी, तो एक्चुअल में पात्रता किसी भी मंत्र से नहीं बढ़ती, ठीक है। पात्रता जब हम किसी कोई भी मंत्र बोलते हैं तो मंत्र एक माध्यम मात्र होता है उस शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का। पात्रता कोई ट्यूबलाइट नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप मार्केट से खरीद सकें। ये आप पात्रता केवल ये होती है, मतलब अपना जब हम बोलते हैं कि आप नवान मंत्र का जाप करिए, जब आप शिव की उपासना करते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि आप ओमकार का जाप करिए या पंचाक्षरी विद्या का जाप करिए, उससे आपकी पात्रता बढ़ेगी। उस एक्चुअल में पात्रता बढ़ने का मतलब ये होता है कि हम जिस देवी देवता के मंत्र का स्मरण कर रहे हैं हमारा ध्यान उस पर लग रहा है, और जब हमारा ध्यान उससे लगेगा तो हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, उनकी चीज़ों से जुड़ पाएंगे। तो पात्रता बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं होता, ठीक है। पात्रता बढ़ाने का मतलब होता है आपके ध्यान को सुदृढ़ करना, ठीक है, आपके ध्यान को प्रबल बनाना, क्योंकि ध्यान ही है जो आपको शक्तियों से जुड़ने में मदद करता है। सबसे पहला चरण जो प्रत्यक्षीकरण में आता है वो ध्यान है, ठीक है। और पात्रता किसी एक मंत्र से नहीं बढ़ती, पात्रता हर एक मंत्र से बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप शिव के उपासक हैं और आपको अगर मैं बोल दूं कि आप नवान मंत्र का जाप करिए तो आपका मन ही नहीं लगेगा उसमें, क्यों? क्योंकि आप शिव के उपासक हैं। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँगा कि आप अगर पंचाक्षरी विद्या का जप करिए, ठीक है, और उससे आपकी पात्रता बढ़ेगी, तो आप जब उस मंत्र का जाप करेंगे तो एक समय के बाद आप देखेंगे कि आपका ध्यान लगने लग गया। आप उस चीज़ पर अपने पहले आप उसमें 10 मिनट जाप करेंगे, फिर 15 मिनट जाप करेंगे, फिर 1 घंटा जाप करेंगे,
आप अपना समय उसको देंगे तो आप देखेंगे कि उस मंत्र से आपके शरीर में अलग सी एक तरंगे दौड़ने लग जाती हैं, ठीक है, अलग से एक ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कुछ चीज़ है जो ऊपर नीचे चल रही है। और जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो इतने पर इस चीज़ से डरते नहीं हैं, वो जब उनके साथ में ऐसी कोई घटना होती है तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हो क्यों रही है, और उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ के मूल तक पहुँचने में वो उस शक्ति के निकट चले जाते हैं जो जिसके वो उपासक हैं, ठीक है। तो ये होती है पात्रता, ठीक है। पात्रता नवान मंत्र से नहीं बढ़ती, पात्रता ओमकार से नहीं बढ़ती, पात्रता पंचाक्षरी मंत्र से नहीं बढ़ती, पात्रता बढ़ती है आपके ध्यान से। क्योंकि जब आप ध्यान लगाने लगेंगे ना तब जाके आप बड़ी साधनाओं के लिए तैयार हो पाएंगे। दुर्गा सप्त शती, अखंड पाठ, पंचाक्षरी मंत्र, 1 करोड़ जाप, इस प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं, लंबे अनुष्ठान होते हैं, जो दिव्य अनुष्ठान होते हैं जिनको करने से देवी देवताओं के दर्शन संभव हैं, आप इनके लिए तैयार होते हैं। और इसे बोला जाता है पात्रता बढ़ाना। और जब आप मंत्र का जाप करेंगे आपकी ऊर्जाएं बढ़नी शुरू होंगी, ठीक है, ऊर्जाएं आपकी जागृत होनी शुरू होंगी, तब आपको अनुभव होने शुरू होंगे, तब वो देवी देवता आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, वो आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे। और जो व्यक्ति समझदार होगा वो उन अनुभवों को समझेगा कि हाँ ये शक्ति के अनुभव हैं, और वो भागने के बजाय उन चीज़ों का सामना करेगा। और तब जब वो उन चीज़ों का सामना करेगा, उस चीज़ को पार करके आगे निकलेगा, तब बढ़ेगी आपकी पात्रता, तब आपकी पात्रता बढ़ती है, ठीक है। तो ये होती है पात्रता, ठीक है, जिसे बढ़ाने के लिए लोग बोलते हैं कि नवान मंत्र का जाप करो पात्रता बढ़ जाएगी, ओमकार का जाप करो पात्रता बढ़ जाएगी, लेकिन असल में लोगों को पता ही नहीं कि पात्रता एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो आज मैंने इसी चीज़ के बारे में अपनी इस वीडियो में बताया है। अगर मेरे किसी भाई को और कुछ लगता है इसके अलग, ठीक है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दे, ठीक है। और अगर मुझे वो बात सही लगेगी तो मैं उसका जवाब भी दूंगा, परंतु मेरे हिसाब से जो पात्रता है, जितना मैंने समझा है चीज़ों को, वो यही होती है। क्योंकि मैंने कभी अपनी पात्रता बढ़ाने के उद्देश्य से किसी मंत्र का जाप नहीं किया है, ठीक है। अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने आप को शक्तियों के लायक बनाने के लिए मंत्रों का जाप होता है। तो ठीक है, फिर आज का ये वीडियो यही बंद करते हैं, और जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जय श्री महाकाल।